पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पवन काजल, पवन काजल, पवन काजल, जिंदाबाद, पवन काजल, जिंदाबाद, पवन काजल, जिंदाबाद, जगदंबा कमा, 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, सारे वीडियो खराब कर हम लेट भी हुए हैं, उसके लिए आप सभी हम सभी को माफ भी करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आप सभी अपने निजी काम घर के छोड़ के आज यहाँ पवन काजल जी के अभिवादन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से पवन काजल जी जिनका जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र में ये पहली मर्तबा प्रथम चरण का आज आखिरी कार्यक्रम है तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9 से 10 जगह जाना है, वहां पर कार्यक्रमों में सम्मिलित होना है और मेरी आपसे गुजारिश है कि सभी जोरदार तालियों से आप इन सबका यहाँ आने पर जो है वो स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कि लुहावने वायदे दिए और कहा कि हर गरीब के खाते में, हर भारतीय के खाते में, चाहे वे अमीर हो गरीब हो, उन सबको 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या किसी के खाते में अगर आए हैं तो वो हाथ खड़ा करें? उल्टा 15 लाख आना तो दूर, 15 लाख के एवज में जनधन खाते आपसे खुलवाए, 50, 100, 200 रुपए से आप लोग खाते खोले और जब उन खातों में आपके मिनिमम पैसे ना बचे तो वहां पर भी उन्होंने 300 से 400 रुपए आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी डाली। हर साल भारतीय जनता पार्टी ने, और ये पहले चरण का आखिरी विधानसभा है जो कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र है उसमें 17 विधानसभा क्षेत्र आती है, जो जिला कांगड़ा में 13 विधानसभा क्षेत्र है और चंबा की 4 विधानसभा क्षेत्र है। तो ये आज पहले चरण का आखिरी दिन है और आपसे आशीर्वाद लेने यहाँ पे मैं आया हूँ। आप इतनी संख्या में, इतनी धूम में, इतनी शादियां होने के बावजूद मेरा यहाँ पे इंतजार किया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश के जो भी लीडर हैं उन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया। एक तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और आज मैं आपसे भी आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश। गरीब जनता के 15-15 लाख रुपए डालूंगा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, गंगा साफ करने का वादा किया था और राम मंदिर का वादा किया था। मैं तो जो पहाड़िए गलाना चाहता ये जरा अह भुली कही जाते, बड़ी जल्दी भुली जाते थे। जल 2014 च ये जुमलेबाज भारतीय जनता ही नहीं था, मैं बोलता मदारी 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 वाला काम करते। 2014 च सरेआम दिना आदनी मोदी ने बोलिया था कि 15-15 लाख रुपया मैं दूंगा, गंगा साफ मैं करांगा, राम मंदिर का काम शुरू करांगा, 2 करोड़ नौकरियां करगा। मैं तो जो एक गल कराना चाहता, बिल्कुल ठीक है कई बोला दे भाई आदनी मोदी की लहर, लहर की है, लहर की है, गरीबा के देता 2-2 हजार रुपया, ये 2-2 हजार रुपया गरीबा पाईता, वादा किता 15-15 लाख का, 2-2 हजार रुपया करीता।
2000 रुपया देता इलेक्शन दे देना मैं तो जुगलाने का चाहता इस व्यक्ति में मत आते। ये जरा भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज हैं, इनको पता है ठगना कैसे है जनता को। मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, इस बार आया है, उसमें लिखा अगर सरकार कांग्रेस की बनती है और राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो 12,000 से नीचे है इनकम, गलाने का मतलब जिन्होंने घर है कोई भी सरकारी नौकर नहीं हुआ है, किहा स्कीम के तहत सारे आई जाने जिसके घर सरकारी नौकर है, 30-12,000 से उपर सैलरी होंगी, तनखाह होंगी, सहित नहीं आई सकते। जो 12,000 से थले ने महीने की, थले डेढ़ साल महीने की, इन्हें छह हजार रुपया महीने का महिला के खाते च पाना, कहीं साल 72,000 रुपया पाना। ऐसा कले रह के सोचने हो, ये जो जुमलेबाज है ये भारतीय जनता पार्टी के, तो टीवीए च दिखा आदरणीय मोदी जी, अखबारा च दिखा आदरणीय मोदी जी, रेडियो च दिखा मन की बात आदरणीय मोदी जी, ये जो टीवीए च आवाज ने ये 5 साल इन्हों का खर्चा एडवरटाइजमेंट जो 76 अरब रुपया, छिहत्तर, जबकि कांग्रेस पार्टी 70 सालों में देश में जनता की सेवा की, उन्होंने करोड़ों रुपया नहीं खर्चा था, अरबों के तो बड़ी दूर रही, इन्होंने 76 अरब रुपया खर्चा और उन्होंने करोड़ा नहीं खर्चा था एडवरटाइजमेंट के लिए। तो ये जो भी थी हवा, उनका हवा मुकी यही हो। एक गल मैं और दसदा, कांगड़ा चंबा मिंजो राहुल गांधी ने प्रत्याशी बनाया, टिकट नहीं मिली। तो ये बोलते है भारतीय जनता पार्टी आले अह 3 लाख ने जिता ले। फिर मैं जल आया एयरपोर्ट पर, मेरा स्वागत होया, महिला शक्ति आई, युवा शक्ति आई, तो दुमे दिन गला 2 लाख की लीड आनी है। फिर हौला हौला मैं सारा कंसीजेंसी घुमा लगा था, 30-34 दिनों बाद जिन्हें बोले लखे जितना हूं लखे दिन हूं कोई 4-5 दिन जलू मैं सारी कंसीजेंसी 17 विधानसभा क्षेत्र पता क्या बोल रहा थे, इन्नी छोकरू में टप करीता काम, इन्नी छोकरू में टप करीता। तो मैं गलाना चाहता, मैं सीधा आदमी है, जमीना ने जुड़े आदमी है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो टिकट दी हो तो कुछ सोची के दी हो। मेरा जन्म राजनीति जरा जन्म है, कोई मेरे पिता पुरखी काम नहीं था राजनीति च, मिंजो जरा दित्या ये जरा काम दित्या मिंजो ये जनता दित्या, ये जनता दित्या। कहने 4 इलेक्शन पहले मैं जरा जित्यो, 4 इलेक्शन जरा जित्यो जनता दे सने प्यार करने जित्यो। इसा बड़ी है जरा इलेक्शन है, इसा बड़ी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन है ही है, पर एक ही पास स्नेह प्यार, कहने दुमे पास गुमंड, कहने हंकार।